आज मैं आपको मैक्रेम का फ्लावर पॉट बताऊंगी। ये देखिए मैक्रेम का फ्लावर पॉट, ताकि हम उसमें फ्लावर वगैरह सेट करके हम उसे टेबल वगैरह पे रख सकें। आज मैं आपको इस तरह का स्टैंड टाइप में आज मैं आपको बताऊंगी फ्लावर पॉट। मैंने आपको टंगाने वाला भी बता रखा है, हैंगिंग वाला, कि वो हमें किस तरीके से बनाते हैं। और आज मैं आपको बहुत ही अलग डिजाइन में बताने जा रही हूँ। ये देखिए, जिसके लिए मुझे जरूरत पड़ती है दो रिंग। ये मेरी रिंग 2-2 इंच की रिंग है, ये मेरी दो रिंग है 2-2 इंच की, और इसमें मोती की भी जरूरत रहती है। ये देखिए, मैंने ये दो कलर के मोती लिए हैं, पिंक एंड रेड। और ये मेरा वायर है, वायर भी मैंने दो कलर का ही लिया है। तो देखिए, ब्लू और रेड वायर लिया है मैंने। और जो वायर मैंने कट किया हुआ है, वायर तो हम डालेंगे अपने रिंग के हिसाब से। जितने हमारे रिंग में वायर आएंगे, तब हम बाद में काउंट करते हैं इनको रिंग में डालने के बाद कि हमारे रिंग में कितने वायर आए हुए हैं। और जो वायर मैंने कट किया है, ये एक वायर मैंने 1 मीटर का कट किया हुआ है। एक वायर मेरा 1 मीटर का ये है, और 1 मीटर का ही ये है। और जो हम पॉट में कोई भी गोल चीज, बॉल हो या कुछ भी गोल चीज बना के हम उस पॉट को हमें सेट करना होता है बाद में, तो पहले हम उसमें अंदर कोई भी गोल चीज डालें और तब हम उसे सेट करें। बॉल भी ले सकते हो। मैंने पॉलोथीन में ये वायर की कटिंग वगैरह होती है, जो मेरे वायर निकलते हैं, कटिंग होती है, वो मैंने डाल के इसमें बॉल की तरह गोल कर लिया है इसको। और मैं उसमें इसको डालूंगी, ताकि हमारा जो डिजाइन है, जो हम गोल लेते हैं बीच में से, हमारा जो ये पॉट बन के आता है उसमें हमें डालना होता है, तभी हमारा ये डिजाइन बन के आएगा। अगर हम कुछ भी गोल चीज उसमें नहीं डालेंगे तो वो अच्छे से सेट नहीं होगा। अब मैं आपको इसे बना के बताऊंगी। ये देखिए, ये मेरी रिंग है, रिंग के अंदर हम वायर डालेंगे। एक वायर मेरा 1 मीटर का है, ये जो मेरा वायर है, इसमें वायर को रिंग को पहले से ही अटैच करने की, इसमें जैसे हम रिंग को पहले से धागे से लपेट लेते हैं वायर से, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी हमें वायर से ही भरनी पड़ेगी। और बाद में हम इसे देखेंगे कि हमें किसने इसमें वायर आए हैं, ये बाद में काउंट किए जाते हैं वायर डलने के बाद। ये देखिए, इस तरीके से इसमें हम डालेंगे वायर। 1 मीटर का एक वायर है मेरा ये, और 3 वायर डालने के बाद मैं इसमें रेड कलर का वायर डालूंगी। आप बड़ी रिंग लेना चाहते हैं, जैसे मैंने की 2 इंच की ली है, आप इसे 5 इंच की, अगर आप बड़ा फ्लावर पॉट बनाना चाहते हो तो आप बड़ी रिंग लें। छोटी रिंग दोनों बराबर ही लेनी पड़ती है, या फिर आप ऊपर की बड़ी करो या छोटी नीचे की छोटी करो, वो भी चलता है। वो भी थोड़ा मटका टाइप में बन के आ जाता है पॉट। ये देखिए, वायर हम इसमें इतने ही डालेंगे जितने की हमारे रिंग में आएंगे। 2 इंच के रिंग में जितने वायर आएंगे, उसी हिसाब से वायर डालते हैं, तभी हम इनको काउंट करते हैं कि इसमें कितने वायर आए हैं। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से डालते हैं इसमें वायर। और फ्लोर वगैरह रखने के बहुत ही सुंदर लगता है ये भरने के बाद में, बनाना भी बहुत आसान है इसको। बहुत इजी तरीका बताऊंगी मैं आज आपको इसे बनाने का, कुछ नहीं है इसमें, बस नॉट्स लगाने हैं और मोती डालने हैं। ये देखिए इस तरीके से, आप इसमें किस तरीके से भी डिजाइन दे सकते हो। जो हम पॉट बनाते हैं किसी तरीके से भी इसमें डिजाइन दे सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही अपलोड करती रहूंगी, मैक्रेम की, हर किसी चीज की। और मेरे व्यूअर्स ने बोला था कि मैं उन्हें अस्तर का ब्लाउज बनाना बताऊं, मैं वो भी आपको बताऊंगी, अस्तर का ब्लाउज बनाना भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अस्तर का ब्लाउज बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से, इसी
तरीके से मैं सारे वायर डाल के इसे तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी डिजाइन के मोह किस तरीके से डालेंगे इसमें डिजाइन। अभी देखिए मैंने ये पूरे वायर डाल के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए मैंने सारे वायर डाले हैं, मेरे ये वायर आए हैं, मेरे ये टोटल वायर 25 वायर डल चुके हैं मेरे इसके अंदर, एक रिंग के अंदर मेरे 25 वायर डले हैं। अब देखिए मैंने एक एक नॉट्स भी लगा लिए हैं इसमें। अब मैं इसमें मैंने मोती डाल दिया है, मोती डालने के बाद मैंने ऐसे नॉट्स लगाऊंगी मैं इसमें भी। जो मेरा ये रेड कलर है इसमें मैं रेड कलर का मोती डालूंगी तो वो दिखाई नहीं देगा, इस वजह से मैंने इसमें व्हाइट कलर लिया है और ब्लू वाले में मैंने रेड कलर लिया है। तो मोती आप अपने हिसाब से डालें, अपने कलर के हिसाब से, अगर हम कलर से कलर मिला देंगे मोती का तो वो दिखाई नहीं देगा, तो इस वजह से हम मोती अलग कलर का मोती डालना पड़ता है हमें इसमें। ये देखिए ब्लू कलर में मैंने रेड कलर का मोती डाला है। अंदर भी ऐसे ही डालूंगी मैं, रेड ही मोती डलेगा इसके अंदर भी। ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें नॉट्स लगाने हैं। अभी मेरा इधर रेड कलर आ गया है तो इसमें मैं व्हाइट मोती डालूंगी। देखिए मेरा व्हाइट कलर का है, ये समान है, इसमें ज्यादा वायर भी नहीं लगता है, थोड़ा ही वायर लगता है इसमें। ये जो हमारी कटिंग वगैरह निकलती है उसको भी हम एक दूसरे से लाइटर के साथ अटैच करके जोड़ जोड़ के सारी कटिंग को, तब भी हम इसे बना सकते हैं। जैसे हमारी कटिंग थोड़ी बहुत निकलती है तो उसको लाइटर के साथ जोड़े हैं और तब इसमें 1 मीटर का एक ही वायर लगता है इसमें। देखिए इसी तरीके से बनाऊंगी मैं इसे। अब मोती डालने के एक एक लाइन में मैं मोती डाल रही हूँ, फिर मैं इसमें नॉट्स लगाऊंगी बस, और फिर बीच में जहाँ पे मेरी गोलाई आएगी बॉल टाइप में उधर फिर मुझे मोती डालनी है इसमें। देखिए ऐसे ही इधर भी, देखिए इस तरीके से देखिए मैंने मोती डाल डाल के इसमें नॉट्स लगा लिए हैं इस तरीके से। अभी देखिए मुझे इसमें खाली नॉट्स ही लगाने हैं और मैं अपने मोती अभी नहीं डालूंगी इसमें, मोती मुझे तब डालने हैं तब ये मेरा थोड़ा बन जाएगा, तब मैं इसमें मोती डालूंगी बस। मोती मैंने एक ही, अगर आप पूरे में मोती देना चाहते हो ऊपर से और एंड तक, शुरू से एंड तक मोती देना चाहते हो तो आप दे सकते हो इसमें, जैसे मैंने डालने बताए आपको ऐसे ही डालेंगे सेम इसमें। तो देखिए दो इधर से पकड़ने हैं और दो इधर से इसमें इस तरीके से नॉट्स लगाना है। ये देखिए इधर से भी ऐसे ही मैं इसे आधा लगा के और तैयार कर लूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम कोई भी गोल्ड चीज किस तरीके से डाल के और नॉट्स लगाते हैं, मोती डालते हैं, वो भी आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहो इतना बना सकते हो, और बड़ी रिंग डालना चाहो तो बड़ी भी डाल सकते हो इसमें। टेबल वगैरह पे रख के बहुत ही सुंदर लगता है ये बनने के बाद। नॉट्स हमें ज्यादा टाइट भी नहीं लगाना है, ज्यादा लूज भी नहीं लगाना है, इसी तरीके से मैं इसे बना के तैयार कर लूंगी। ये देखिए ऐसे ही बनाते लगाते हुए चलना है इसमें। देखिए फ्रेंड ये
मैंने इतना बना के तैयार कर लिया है, मैंने इधर भी मोती डाले थे और फिर मैंने नॉट्स लगाए और फिर से मैंने मोती डाले हैं। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि इसमें हम गोल चीज कोई भी कैसे डालेंगे, बॉल वगैरह। ये देखिए इसको ऐसे करके इस तरीके से, और ये जो मैंने अपने वायर डाल के बोलो में तब वो मैंने बनाए थे, देखिए इस तरीके से डालते हैं हम इसको, देखिए इस तरीके से सेट करते हैं, इस तरीके से। अब मैं इसमें मोती डालते हुए और नॉट्स लगाते हुए चलना है मुझे। अगर आप बॉल डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो इसमें। अब ये देखिए इस तरीके से मुझे इसमें मोती डालते हुए और नॉट्स लगाते हुए चलना है। पूरे में मुझे मोती डालनी है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर मोती डाले थे और नॉट्स लगाया था, ऐसे ही मुझे इसमें पूरे में मोती डालने हैं। ऐसे ही मोती डालते हुए और नॉट्स लगाते हुए चलना है। ये देखिए जो मेरा कैरी बैग है, मुझे ये पूरा ढकना है। देखिए इस तरीके से, ऐसे ज्यादा टाइट भी नहीं करना है, ज्यादा लूज भी नहीं। जितनी मेरी ये पॉलिथीन है जहाँ तक इधर तक उधर तक मुझे इसमें मोती डालते हुए नॉट्स लगाते हुए चलना है, तभी मेरा ये अच्छे से डिजाइन आएगा बनके पॉट टाइप में। इसमें हम फ्लावर भी डाल सकते हैं, अगर इसमें हम पॉलिथीन वगैरह कैरी बैग वगैरह में ऐसे डाल के वायर वगैरह या कोई कपड़ा वगैरह डाल के हम इसमें डालेंगे तो हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे हम इसमें फ्लावर रखना चाहें तो हम इसमें फ्लावर रख सकते हैं, क्योंकि वो दब जाती है नीचे की तरफ। अगर इसमें हम बॉल डालेंगे तो बॉल से वो नीचे की तरफ हम इसमें फ्लावर अटैच नहीं करते, क्योंकि पूरी में तो बॉल ही आ जाएगी और बॉल से तो हम उसमें फ्लावर भी नहीं डाल सकते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि वो अच्छे से सेट नहीं होंगे उसमें फ्लावर। इससे अच्छे से सेट हो जाते हैं इसमें हम फ्लावर रखते हैं तो। देखिए इस तरीके से डालते हुए चलना है और नोट्स लगाते हुए चलना है। कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल ही नोट्स है इसमें। देखिए फ्रेंड, ये मैंने अपने मोती डालते हुए और अपने नोट्स लगाते हुए मैंने ये इधर तक बना लिया है। अभी देखिए फ्रेंड, मैंने अपने नोट्स लगाते हुए और मोती डालते हुए मैंने इधर तक बना दिया है। ये देखिए मेरी ये शेप, इधर से तो मेरी ये कम है, ये देखिए फ्लावर टाइप में मेरी ये शेप आई है। ये देखिए इस तरीके से शेप आई है मेरी ये। अब मैं इसे बंद करूंगी। ये देखिए वो हम किस तरीके से इधर तक ही मुझे इसमें मोती डालने हैं। मुझे इसमें मोती नहीं डालने हैं, बस नॉट्स ही लगाते हुए चलना है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें नॉट्स लगाऊंगी। जो मेरी ये कैरी बैग था अंदर, मैंने इसमें वायर वगैरह डाले थे वो मेरे, अभी देखिए ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और इसमें हम फ्लावर भी रख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए इसमें मैं नॉट्स डाल के और इसमें मैं रिंग अटैच करूंगी, रिंग डालूंगी मैं इसके अंदर। फिर किस तरीके से डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम रिंग एक एक वायर करके डालते हैं इसमें, ताकि हमारा अच्छे से सेट आ सके। देखिए इस तरीके से, ये देखिए बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। टेबल वगैरह पर रखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है ये।
और ज्यादा वायर भी नहीं लगते हैं, ज्यादा मोती वगैरह भी नहीं लगते, इसमें ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है। बस जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें थोड़ा सामान ही लगता है। ये देखिए दो कलर से, आप इसे एक कलर से भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें रेड एंड ब्लू लिया है, आप इसमें दो कलर भी दे सकते हो, एक कलर भी दे सकते हो सॉरी, तब भी ये बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद एक कलर से भी। देखिए इस तरीके से अब मैं इसमें रिंग डालूंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि रिंग हम इसमें किस तरीके से डालते हैं। अब ये देखिए मैंने ये अपना इधर तक बना लिया है, अब इसमें मैं रिंग अटैच करूंगी। ये देखिए रिंग हम किस तरीके से अटैच करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके इसको, और ऐसे रिंग रखेंगे अपनी हम, और एक एक वायर से मुझे इसमें ऐसे रिंग को ऐसे एक एक वायर के साथ ऐसे अटैच करना है। देखिए इस तरीके से से टाइट टाइट कर खींच के तब हमें ये रिंग डालनी है इसमें, ताकि अच्छे से अटैच हो जाए इसके अंदर। ये देखिए ऐसे एक धागे को दो बार, एक वायर को दो बार अटैच करना है रिंग के अंदर से, ताकि हमारी रिंग भी अच्छे से ढक जाए और सेट आ जाए। ये देखिए इस तरीके से, बाकी के वायर है वो हम नीचे की तरफ चुपका देंगे। ये देखिए ऐसे ही वायर के साथ एक भी वायर नहीं टूटना चाहिए इसमें। देखिए इस तरीके से फ्रेंड ये मेरा फ्लावर पॉट आपके सामने बनके तैयार है। ये देखिए स्टैंड टाइप में मैंने इसको बनाया है, इसे हम रख के इसमें फ्लावर रख के बहुत ही सुंदर दिखाई देता है बनने के बाद। इसी प्रकार से बनके आया, मैंने आपको रिंग भी बताई है कि रिंग हमने किस तरीके से अटैच करके उसने हमें नीचे की तरफ को हमने उसे वायर को लाइटर के साथ अटैच कर दिया है, चिपका दिया है। ये देखिए मेरा ऊपर का वेस है और नीचे का वेस है, इसी प्रकार से ये बनके आया है। अगर वीडियो समझने में फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।